वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने त्रुट करके कृपा करके बख्शिश करके साहब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने गुरता बख्शिश की अज दे दिन। सो सारी समुची संगत गुरु नानक नाम लेवा माई भाई सारियां नूं बहुत बहुत बधाई। गुरु साहब कृपा करन सतगुरु जी ने गुरता ते विराजमान हो के वो सानू पवित्र सिद्धांत बख्शिश किया श्री अकाल तख्त साहब की रचना की, जिस ताकत को बहुत बड़ियां चुनौतियां समय दियां सरकारां दिंदियां रहियां, पर सतगुरु जी ने इस अकाल तख्त ते सिखां नूं आदेश किया सी कि कीमती शास्त्र ते कीमती घोड़े इत्यादिक आ के इस श्री अकाल तख्त साहब ते सतगुरु जी के सन्मुख पेश किए जाते। सो सतगुरु जी गुरता गद्दी ते विराजमान होने तो बाद पंजम पातशाह की शहीदी लाहौर विखे हुई, उस वेले दे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी तिना ने साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं दो तलवारां मीरी ते पीरी दियां वह पहना के गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने फिर ये मीरी पीरी का सिद्धांत सतगुरु जी ने बख्श किया। और सतगुरु जी ने जिन्हें भी युद्धां लड़ियां गुरु पातशाह ने अकाल पुरख ने उन्होंने फतेह बख्शिश की। सो अज उन्हां दा आपां गुरता दिवस जिहड़ा आ उह अज मना रहे हैं। समुची संगत नूं बहुत बहुत बधाई भी दिंदा, कामना भी करदा कि सतगुरु जी ने जबर नूं सबर नाल गुरु पंजम पातशाह जी ने अपनी शहादत बख्शिश की। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिथे श्री अकाल तख्त साहब की रचना की उत्थे सिख नूं आदेश भी किया कि तू इस पवित्र सिद्धांत मीरी पीरी के सिद्धांत नाल जुड़ के लोक ते परलोक सहेले करने आ, पवित्र गुरबाणी तो सेध लैनी आ। ते गुरु पातशाह जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु दसम पातशाह जी ने ते मेरा जिहड़ी आत्मा वो गुरु ग्रंथ दे विच ते मेरा शरीर गुरु पंथ दे विच इस पवित्र सिद्धांतों से पहरा देने का यतन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा। ये जदों सतगुरु जी दे गुरता दिवस जां प्रकाश दिहाड़े होंदे आ उदों ये सजाए जाते हैं। सो ये अज भी सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे इस महान अज दिवस नूं समर्पित जिहड़े आ उह जलाओ भी सजाए गए। वाहिगुरु जी का खालसा।